जिनेंद्र के प्रति भी राग का भाव दुख का कारण है। प्रशस्त अप्रशस्त दो प्रकार के राग हैं। आचार्य नेमिचंद जी ने कहा है प्रशस्त अप्रशस्त। प्रशस्त राग तो जिनेंद्र के प्रति है, अप्रशस्त इससे बाहर की बात नहीं। पर यह प्रशस्त राग भी लिमिट में काम आएगा, अधिक लिमिट में भी ये काम आने वाला। अरे राग इतना खतरनाक है कि हम भगवानों को बांट रहे हैं, तीर्थों को बांट रहे हैं, मुनियों को बांट रहे हैं, मंदिरों को, अनेक धर्म के साधनों को हम किसके कारण बांट देते हैं? राग के कारण। धर्म के क्षेत्र जो राग को छोड़ने का स्थान है उन्हीं से हमने उनको बांट दिया। अभिशाप करना। अरे पत्नी ने राग को समझ में आता है कि उन्हें शादी की है, सात फेरे लिए हैं और तू तो जान भूल करके पाप में फंसा है, वो तो समझ में आता है। पर जो पाप के स्थान है, जो पुण्य के स्थान है, वहां से भी राग करके हम लोग को कई भागों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशस्त राग का मतलब है कि उनके गुणों के प्रति राग, आदिनाथ भगवान के प्रति नहीं, बाहुबली के प्रति नहीं, भरत के प्रति नहीं, अनंत वीर के प्रति नहीं, वासुपुत्र के प्रति नहीं, पार्श्वनाथ के प्रति नहीं, मुनिष्पत के प्रति नहीं, चंद्र भगवान के प्रति नहीं। राग तो उनके गुणों के प्रति चाहिए। प्रशस्त राग का मतलब उनके गुणों के प्रति राग का भाव चाहिए। और अंतिम समय में जब 12वें 13वें में पहुंचते हैं तो वहां वो राग भी छोड़ना है कि ये गुण तो मेरे हैं, अभी तक तो मैं इन गुणों का आरोप रह रहा था, ये गुण मेरे में, अब तो मुझे अपने ही गुणों को प्रकट करना है। तो वहां तो दोनों राग भी खत्म हो गए। अब प्रशस्त तो पहले चला गया, वहां जाकर प्रशस्त राग भी समाप्त हो। तो जो राग है यह आकुलता पैदा करता है। शत्रुंज ने अपनी पत्नी को कहा कि राइट का शिष्य बन कर दो। क्या बन कर दो? नहीं बन किया। बहुत गुस्सा आया। क्यों आया? राग था, आकुलता हो गई कि मेरी सुनी नहीं। और वही सुदर्शन जी ने अजय भैया को कहा, अजय भैया नहीं बंद किया। अब बताओ दोनों में आकुलता कहां ज्यादा थी? पत्नी को कहा उसने मना किया, अजय भैया को कहा उसने मना किया, अब दोनों में आकुलता कहां ज्यादा होती है? पत्नी ने मना किया वहां आकुलता ज्यादा हुई क्योंकि वहां उसके प्रति क्या छिपा हुआ था? राग। तो राग ने आकुलता को और क्या किया? आज वैसे राग नहीं दमन किया। आपने क्या लेना देना नहीं सुना, पर जहां राग था वहां क्या हुआ? आकुलता हुई। आपके पास कोई चीज है, एक निराकुलता का उदाहरण समझ लें, आपके पास एक वस्तु है, कोई भी चीज हो सकती है। अब मान लो कि आपके पास सोने की डिब्बी है और एक अजय भैया की डिब्बी है। अजय भैया की सोने की डिब्बी घूम गई तो आपको थोड़ा दुख तो होगा, तो आकुलता और खुद की घूम गई तो क्यों? उससे राग था, इससे राग से नहीं था।
थोड़ा सा हम आपस में मिल मिल रहे हैं साथ ही, ये तो थोड़ा दुख होगा क्या, अच्छा नहीं करते नहीं घूमती तो बेचारा भैया ने कैसे जैसे तो मर गई और भगवान की पूजा करते थे खुद की और भैया की घूमी तो खाना खा के आराम से खाओगे आराम से सोओगे और खुद की घूमी तो खाना भी नहीं खा सकते और क्यों क्या है चाहते राम है। कहानी इससे थोड़ी मिलती जुलती है पर आपको समझ में आ जाएगी एकदम हम घटा नहीं सकते हैं कि विसर्जना एक चूहा था कौन था वो शंकर जी के पास गया कि मैं तो भगवान बहुत परेशान हो गया ये हमेशा बिल्ली मुझे डराती रहती तो मुझे तो बिल्ली बना दो अब चूहा नहीं चाहिए क्या शंकर जी से प्रसन्न थे बना दिया बिल्ली बना दी क्या फर्क पड़ता है अब बिल्ली बना दिया बाहर निकले तो कुत्ते आए फिर शंकर जी के पास गया शंकर जी प्रसन्न थे कोई बात नहीं भाई तू क्या बन गया कुत्ता बन गया अब कुत्ते बनने के बाद फिर भी तो चीता क्योंकि कुत्ते से बहुत सारे चीता चीता डराने लगा फिर आपूर्ता हुई फिर घबराहट हुई फिर गया कहाँ गया अब क्या करना शेर बना दो भाई तो शेर बना दिया फिर आप बोलता क्या मनुष्य शिकार करेगा तो शंकर जी ने कहा क्या क्या करना तू मनुष्य ही बन जा माता बूढ़ी नहीं थी क्या बन जा अब मनुष्य बनने के बाद फिर आप बोलता मौत क्या बोलता अभी मोरू अभी मोरू वापस गया भगवान तो उनका तुम चूहा ही ठीक था ये बन वापस चूहा अरे चूहे से मनुष्य का आगे तभी तेरे आपूर्ता तो आपूर्ता इसका मतलब बाहर है क्या किसी की गति में है क्या कौन सी गति में आपूर्ता नहीं है आपूर्ता तो हमारे अंदर भरी कहीं जाने की जरूरत नहीं कहां से निकालना है तो चूहे ने कहा भैया मेरा चूहा ही ठीक हो ना मुझे मनुष्य चाहिए ना शेर चाहिए ना कुत्ता चाहिए जहां देखो झंझट तो हमारे पास जो है उसमें न राग करो न द्वेष करो जैसा आपको मिला है कर्म को जैसे उसको उसमें रहने का पुरुषार्थ करो उसमें रहने का पुरुषार्थ करो आकुलता मत करो अरे भाई तुम्हारे पास 5 रुपया है ना उस 5 रुपये में ही अपना परिवार चलाने की कोशिश करो 5 रुपये के 10 रुपये की आकुलता करोगे तो 5 भी चला जाएगा और ये मनुष्य पर्याय में ही है आप भी आपूर्ता करते रहे आज भी आपूर्ता करे छूट गई तो फिर बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है फिर मिले न मिले तो आपूर्ता किस चीज की हमारे आचार्य ने कहा कि राग को छोड़ना पड़ेगा अब कहां से पहला राग शरीर से तपस्या करो शरीर का विकल्प मत करो आत्मा का विकल्प करो शरीर से राग होता है तो आज तो उपवास नहीं होगा तो बहुत गर्मी है आज तो मन था कि 5 माला फेंकूंगी और बिल्कुल आंख बंद करके फेंकूंगी पर इतने में पीछे से विकल्प आ गया फोन आ गया कि घर में तो कोई आया हुआ है अब माला फेंक रही है नमो अरिहंतान नमो दान नमो आयान नमो उच्चारण नमो अब आपको उत्तान करनी है आप गए तो क्या बनाऊंगी खाने में अब बताओ तपस्या भी चल रही है आदमी 10 उपवास करता है ना तब करता है कितने उपवास 6 उपवास के बाद तो उसकी आकुलता बढ़ती है पढ़ना कैसे होगा जो निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये मिलने आया ही नहीं देखो मैंने 6 उपवास किए ये तो अभी तक आया ही नहीं कब आएगा कुछ नहीं आया देखो अब 6 उपवास के बाद तो आकुलता शुरू होगी
अब भूख की आपूर्ति तो खत्म हो गई, अब तो कौन आया कौन गया, क्या होगा नहीं होगा उसकी आपूर्ति, वो आपूर्ति हुई सुंदर से बहुत जिमाया बढ़िया ठाट से पूरे स्मृति नगर को जिमा दिया। अब फिर जो जिमाया उसको देने की आपूर्ति था, अब उसके देने की आपूर्ति तो फिर ज्यादा कमाना। आनंद भैया का इस बार मैंने 10 उपवास करने का रोज कहते महाराज आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ अब खुद तो हमारे साथ जो जंगल जाते हम झूठ कुछ नहीं बोलते, जो जंगल जाते हैं सबके सामने बात हो, आज तो ज्ञानी लोग हैं कि सास पालने पर जीवन करेंगे। फिर इन्होंने एक बात कही महाराज उपवास करो घर नहीं जाऊंगा, मैंने कहा मेरे पास ही देना कुछ आनंद कह रहा है एक बार 10 दिन हो गए तो परमानेंट आपके पास ही देना पड़ेगा। अब ये भी अकुलता है, उपवास तो करना है पर परमानेंट देना हो तो अकुलता है। अरे व्यक्ति के जीवन में आप मान के चलना कि जहां जहां मुझे बताओ कीड़े कहां आते हैं, जहां जहां